nursed, and Dr. Vijaya Saiba, ladies and gentlemen, असेंबली के फ्लोर पे भी और वैसे भी मीडिया में भी इस सब्जेक्ट को बड़ी कसरत के साथ द एक्सपेंस ऑफ अनॉइंग सम वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल इन पाकिस्तान आई हैव बीन रेजिंग दिस इशू फॉर मेनी मेनी इयर्स बट इट सीम्स दैट दीज पीपल आर gaining ground with every passing day, with every passing month, which actually means that tax evasion, jo bunyadi taur pe the tool of corruption, is gaining ground almost everywhere. It's very heartening ki NUST ne aur Pakistan Tobacco ne milke ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का एक अजीम दरसगाह है NUST जो है उसकी तरफ उसकी उनकी तरफ से ये कदम उठाना जो है एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म और क्रेडिबल रिपोर्ट जो है और क्रेडिबल फिगर्स जो हैं वो सामने आती हैं. आई एम ए पॉलिटिकल वर्कर. मेरी बात को कुछ लोग हो सकता है सही तस्लीम करें, कुछ हो सकता है ना सही तस्लीम करें. बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन लाइक NUST एंड IPSOS, आई गॉट देयर 2023 रिपोर्ट व्हेन आई वाज इन द लास्ट कैबिनेट और मैंने बसीयत सरकारी पार्टी के मेंबर के कैबिनेट मेंबर के ये इश्यूज वहाँ पे रेज़ किए जो आज यहाँ पे रेज़ हो रहे हैं. ये तो एक इंडस्ट्री की बात है. अगर टोटल टैक्स इवेजन जो है अगर आप उसका वॉल्यूम देखें तो मेरा अपना ख्याल है जो इस वक्त FPR टैक्स कलेक्ट करता है उससे थ्री टाइम्स का मतलब है कि अगर 9,000 है इस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये तीन गुना और लगा लें ये आप कह सकते हैं बड़े आराम से कि ये 36,000 अरब जो है ना आप कलेक्ट कर सकते हैं या 27 कह लें तो आधा भी कलेक्ट अगर हो जाए ये टैक्स जो है तो ना किसी IMF की ज़रूरत है आपको ना किसी और कंट्री की हैंड होल्डिंग की आपको ज़रूरत है. ज़रूरत यह है कि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ईमानदारी की ज़रूरत है और वो ईमानदारी जो है वो इट हैज़ बिकम ए नॉर्म. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज अ स्टिग्मा. इट इज़ नो मोर अ स्टिग्मा. व्हेन समथिंग एज डर्टी एज करप्शन और टैक्स इवेजन जो है वो स्टिग्मेटाइज जो है इसलिए नहीं होती उसको लोग करप्शन या बेईमानी नहीं समझते. वो समझते हैं कि ये कोई बड़ी अकल की चीज़ है और हम टैक्स अवॉइड कर लेते हैं. उसको उस तरह स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाता टैक्स इवेजन को जिस तरह और ये जो थाने में रिश्वत देनी जो है या अदालतों में रिश्वत देने की जो बात की जाती है या सियासतदान जो पैसे पकड़ लेते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर जो पैसे पकड़ लेते हैं वो ज़्यादा स्टिग्मेटाइज है. लेकिन सम और दी अदर मैं उस वक्त गलत कह रहा हूँ कि ये टैक्स इवेजन जो है ना ये इसको वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं समझा जाता बल्कि क्राइम ही नहीं समझा जाता और ये FPR की एक्टिव कोलिजन के साथ जो है ना पिछली कई दहाइयों से ये वारदात जारी है. मैंने असेंबली में डेढ़ दो साल पहले उठाया था ये मसला कि जो मेजर
परसेंटेज जो इस वक्त पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आप लोग फिलिप मॉरिस एंड पीटीसी वाज एट क्लोज टू 40% आई थिंक 65%, 35%, नो लास्ट ईयर यू वर एट 65. तो ये 160 बिलियन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली द फिगर, ये 160 अरब रुपया टैक्स दे रहे थे या 158 के करीब जो है 170 क्या स्टैंड करेक्टेड. और जो दूसरे लोग जो थे, यानी इन दोनों कंपनियों के अलावा जो लोग थे, वो सिंगल फिगर में मेरा ख्याल है बिलियन था, को 2-4-5 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन. आप देखें, एक सेक्टर जो है जो मेजॉरिटी में अब नहीं है, उस वक्त मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा परसेंटेज थी, वो 160 या 170 अरब दे रहे थे. और जो इलिसिट ट्रेड है, जो जाली सिगरेट बनाते हैं हर महीने, वो अपना ब्रांड नेम भी चेंज कर देते हैं, वो सिर्फ 2 अरब रुपए दे रहे थे. और वो लोग जो है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो असेंबलियों तक पहुंच चुके हुए हैं, एंड दे आर देयर टू वॉच और गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर इलिसिट ट्रेड, और जो भी उनको आप नाम दे सकते हैं. अब जब इतना ईमानदारी के ऊपर कोई प्रीमियम ही नहीं, देर इज नो प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी, यही साबित होता है ना, कि अगर पीटीसी पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो है वो 170 अरब रुपया टैक्स दे रही है, और वो उनकी परसेंटेज जो है मार्केट शेयर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. दूसरी तरफ बेईमानी है, 2 अरब रुपया टैक्स देते हैं, उनका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. सो देर इज़ अ प्रीमियम ऑन करप्शन एंड देर इज नो प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी. हाउ विल पीपल स्टे ऑनेस्ट? There is no incentive. There is no premium on honesty. आप जब माशरे में ईमानदारी के साथ जो है इज्जत का लफ्ज जो है वो ख़त्म कर देंगे, और बेईमानी और करप्शन के साथ इज्जत का लफ्ज ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर तो वैल्यू एडिशन हो गई ना. How will people pursue something which bears integrity? Something which bears being a good citizen. जब आपको नजर आएंगे लोग जो है जिनको माशरे में इज्जत दी जा रही है, वो या टैक्स चोर हैं या टैक्स सिरे से पे. ये तो 2 बिलियन जो है, मुझे टेम्पटेशन होती है पंजाबी बीच में बोलने की, मैं ट्राइंग टू अवॉइड दैट. ये लोग जो है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और 60,000 दुकान है पंजाब गवर्नमेंट की जो मिल्कियत है, 60,000 सारे पंजाब में, उनका किराया जो है चंद हज़ार रुपया है उन दुकानों का, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000. उसके साथ ही जो प्राइवेट दुकान होगी उसका किराया जो है 50,000 से 1,00,000 होगा. हाउ कैन यू सर्वाइव? इप्सोस की रिपोर्ट ही कहती है कि हमारा रिटेल सेक्टर का साइज जो है 49,000 अरब रुपया है. मैं गलत तो नहीं कह रहा, कोई इतना ही यही है ना फिगर, 50,000 कर लें, 50,000 अरब. अगर वो ईमानदारी के साथ रिटेल जो है सारा सेक्टर जो है रजिस्टर हो जाए और वो टैक्स आप ईमानदारी के साथ दे, वो तकरीबन 2,760 अरब रुपया बनता है. देते वो 20 अरब है. हाउ कैन दिस कंट्री सर्वाइव जब देर आर नॉट थाउजेंड, नॉट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर फ्लीइंग द कंट्री. टायरों के ऊपर, ये इप्सोस की रिपोर्ट है, सैकड़ों अरब रुपया जो है ड्यूटी जो है वो बचाई जाती है या चोरी की जाती है. बचाई जाती जो है इज ए डिसेंट वर्ड, चोरी जो की जाती है. इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है. मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, डॉक्टर इशफाक साहब चेयरमैन थे उस वक्त FBR के, मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने मुल्क का नाम लिया,
मैंने कहा वहाँ से इम्पोर्ट पे कितनी अंडर इन्वाइसिंग होती है, और अंडर इन्वाइसिंग के को अगर मोनेटाइज किया जाए तो कितना लॉस है हमारी एक्सचेकर को। मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, 3 अरब डॉलर का लॉस था। यार राम राम फर्क रख देना सही, 3 अरब डॉलर जो है इस एक मुल्क का, मुल्क का मैं नाम ही ले रहा, लेकिन लोग क्या करते हैं वहां पे, उस मुल्क का भी कसूर नहीं है, वहां पे लोकल मैन्युफैक्चर से माल खरीदा जाता है, पाकिस्तानी कंपनीज वहां पर रजिस्टर्ड हैं, वो बायर बनती हैं और फिर वो एक्सपोर्टर पाकिस्तान है। ये जो डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं वो वहां पे पाकिस्तानी कंपनी कर रही होती है। ये लंबी कहानी है, आपके पास फालतू पैसे हो जाए अगर सिर्फ प्रेजेंट स्ट्रक्चर के ऊपर जो है आप टैक्स लेना शुरू कर दें, आपको बढ़ाने की जरूरत ही कोई नहीं है। सबसे बड़ा एग्जांपल आपका आज पीटीसी के की मेहरबानी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मुझे भी इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका मिला है, यहाँ पे मीडिया भी बैठा हुआ है। आप मीडिया को कहेंगे पब्लिक सर्विस मैसेज दे दें, मीडिया कभी नहीं देगा। रियल एस्टेट वाले का नाम लें तो बीच में ब्लीप आ जाए, सारा धंधा जो है वो माल का है। आप किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे के खिलाफ बोलें ब्लीप आ जाएगी। मैं मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर था, मैंने मिनतें की यार 10 सेकंड का जो है पानी की बचत के मुतालिक जो है ना आप पब्लिक सर्विस मैसेज दे दिया, 10 मिनट जो है ये बाइंडिंग है इनके ऊपर डेली पब्लिक सर्विस मैसेजेस दें। पब्लिक सर्विस मैसेजेस मीडिया वाले, इतने कैमरे लगे हुए हैं, अरबपति खरबपति हैं ये सारे लोग, दें पब्लिक सर्विस मैसेज और निशानदेही करें चोरों की कि ये आज़ाद कश्मीर में भी बैठे हुए हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी बैठे हुए हैं, केपी में भी बैठे हुए हैं, सिंध में भी बैठे हुए हैं, जो जाली सिगरेट बनाते हैं और टैक्स नहीं देते, दें नहीं देंगे। आई चैलेंज है, मैं बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं चैलेंज करता हूँ ये पब्लिक सर्विस मैसेज दें। नस जो है इनिशिएटिव ले सकती है इसके ऊपर, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसको उसके ऊपर, और कितना वो पकड़ रहा है। मैंने अभी देखा था, मेरा ख्याल सिंगल फिगर में थी बात जो है, जो ट्रेस हो रहे थे। चोर कभी हम पाकिस्तान में ट्रेस नहीं होते, ये चोर है लोग। और विद दिस क्लाउट, विद दिस फाइनेंशियल क्लाउट, यू शुड बी स्केयर्ड, वी शुड ऑल बी स्केयर्ड। When people who are corrupt to the core, they get so much financial clout, they become dangerous for the state. और रियासत के लिए खतरा बन जाते हैं, फिर उनसे फौज भी नहीं आपको बचा सकती। And these people have so much of financial muscle कि ये सारे कैमरे जो हैं, मैं बैठ के कहता हूं कि मैं ये नाम लेने लगा हूं, तुम लोगों ने ये उसको डिलीट कर देना नाम जी। नहीं, मैं जो उस वक्त नाम जो भी लेना चाहता है, जो भी रेलेवेंट होता है उसमें जो है, यार मलक रियाज का ही नाम ले कर रहे। नहीं, आप कार में देखे ना, इन लोगों को जो नाराज हो गए। ये मीडिया का भी काम है अकाउंटेबिलिटी करे, सिर्फ जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम नहीं है, सोसाइटी का काम है। देखें ये चलें, मैंने एक लिया है, मैंने बाकी भी लेने को तैयार हूं। मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको निशानदेही की है कहां पे जाली सिगरेट बन रहे हैं, कहां पे जाली सिगरेट बन रहे हैं। आप क्लाउड देख रहे हैं,
you can actually, it's palpable. This has to be a collective effort. Har citizen ko, he should be cognizant of the fact ke is mulk ke saath kya ho raha hai. Hum pe chale, sabse pehle humare pe responsibility aati hai, politicians pe, public representatives pe. Sabse pehle hum pe aati hai. But there are other segments of our ruling elite jinke upar jo hai responsibility aati hai. Main pehle apne aap ko kasoorwar thehrata hoon. लेकिन जब आपके लाखों में मुकदमात जो है टैक्स के पेंडिंग हों जुडिशरी के आगे 2800 अरब रुपए के जो है मुकदमात पेंडिंग है और कई कई साल से पेंडिंग है, टोटल जुडिशरी के आगे जो मुकदमात पेंडिंग है वो लाखों में है, बल्कि मिलियंस में है, लोअर जुडिशरी से लेके ऊपर तक जो है. सो वी हैव ऑल ऑफ अस, मेरे मीडिया के दोस्त सेंसिटिव हो रहे थे, मैं हम सियासतदान जो है खासे इनसेंसिटिव होते हैं, डीट होते हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं. वी हैव टू बी सेंसिटिव टू 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 दीज प्रॉब्लम्स. ये खुसूसन जो टैक्स की चोरी की प्रॉब्लम है, ये हमें हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. हमारी जो जो आज़ादी है, वतन की आज़ादी जो है, हमारा इंटरनेशनल सीन के ऊपर जो डिफरेंट प्रेशर्स आते हैं, समटाइम्स वी हैव टू सकम टू दोज प्रेशर्स. व्हाई? बिकॉज वी आर फाइनेंशियली वेरी वेरी वल्नरेबल. अब देखें ये जब शब्बर जैदी साहब जो थे वो अभी FBR के चेयरमैन ही बने थे, थ्री टीयर के हामी थे, एम आई राइट? जब वो बने तो उन्होंने थ्री टीयर अबॉलिश कर दिया, टू टीयर पे ले आए, जो वो पहले प्रीच करते थे एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट किया. उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अभी भी वो टीवी के इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं सिगरेट वालों के खिलाफ जब कुछ करता था तो उस वक्त के स्पीकर जो है वो आ जाते थे 25-30 बंदे साथ लेके कि भाई तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, जब हम लोग प्रोटेक्शन देंगे, जब मीडिया जो है वो विसल ब्लोइंग नहीं करेगा, सरपरस्ती हमारी होगी, जब तमाम तर जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द स्टेट और हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन, मैन इन द स्ट्रीट, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो फिर रियासत का अल्लाह हाफिज है. आई कैन रिकॉल फ्रॉम माई मेमोरी को तकरीबन 60-65 साल पुरानी बात, एक मीडिया की बात करता हूँ कि एक पार्लियामेंट के मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिंजल शेरडन. उन्होंने मीडिया की आज़ादी पे ये तकरीर की कि गिव अस ए ट्रकलिंग कोर्ट, गिव अस ए वीनल हाउस ऑफ लॉर्ड्स, गिव अस ए ट्रिनिकल प्रिंस, बट गिव मी ए अनफेटर्ड प्रेस एंड आई विल नॉट लेट एनीबॉडी डिफाई हेयर्स ब्रेथ लिबर्टी टू द पीपल. डू वी हैव ए अनफेटर्ड प्रेस? इट इज अनफेटर्ड इन ए डिफरेंट मैनर, इन ए डिफरेंट फैशन. It is the factors are not the factors which are traditional. So we have to rise to this occasion, or this we have to be cognizant of this problem. अगर यहाँ पे tax evasion जो है ये classical example है, thanks to PTC and NUST कि उन्होंने ये arrange कराया. और ये दिस शुड बी प्रसूड, दिस पार्टनरशिप बिटवीन एकेडमिया एंड बिजनेस शुड बी प्रसूड. इससे बड़ा फायदा होगा, कम से कम हमारी नई जनरेशन जो है विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज रियली बिसेटिंग आर
सिस्टम और गवर्नमेंट और टैक्स सिस्टम इतनी इतनी बड़ी बड़ी अब देखें, मेरा ख्याल है कि 12-15 दिन हुए हैं, कुछ 6-7-8 जो है FBI के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है उनको कहीं और पार्क कर दिया गया। मेरे ख्याल नौकरी से तो किसी को नहीं निकाला गया, लेकिन पार्क उनको कहीं कर दिया गया, जहाँ पे नॉर्मल तनख्वाह का मीटर चलता है वहाँ पे उनको पार्क कर दिया गया। तो वहाँ वो उसके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ आवाज़ें आनी शुरू होगी, ये ज़रूर आएंगी। गवर्नमेंट जो भी हो, गवर्नमेंट हो, अगर इफ दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज वॉइसेस और बाय बिकॉज दीज दे आर वेरी पावरफुल पीपल, पीपल विद मनी विद डीप पॉकेट्स, अगर वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, यू हैव टू टेक देम हेड ऑन। बट इट्स नॉट ओनली द FBI इसलिए बार बार उसका नाम आता है, यहां भी आ रहा है, इस प्रेजेंटेशन में भी आया कि सबसे बड़ी लीकेज जो है वो FBI टैक्स कलेक्टर जो है कभी भी अच्छा बंदा नहीं समझा जाता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उनके डिसाइपल्स थे उनमें एक टैक्स कलेक्टर भी था, आई थिंक टू पीटर्स, एक पीटर टैक्स कलेक्टर भी था। तो ज्यूज ऑब्जेक्ट करते थे हज़रत ईसा को कि ये तो एक गंदा काम करने वाला बंदा है, ये आपका डिसाइपल किस तरह हो गया, ये नबी का डिसाइपल किस तरह हो गया। सो 2000 ईयर्स बैक ऑल्सो टैक्स कलेक्टर्स वर नॉट नोन काइंडली। तो मेरा ख्याल है 2000 साल में कोई तब्दीली नहीं आई। अब वो सेंट पीटर स्क्वायर है उनके नाम के ऊपर, ट्रू फॉलोअर ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए उनका बड़ा तकद्दस है हमारे जहान में। लेकिन मैंने बात लंबी कर दी है, कुछ बातें मेरी मीडिया ने माइंड भी की हैं, माई अपोलॉजीज। तो मैं जब नाम लेता हूँ ना, तो फिर मुझे अगर नाम मेरा चल जाए प्रोग्राम के ऊपर, तो मुझे वो क्लिप भिजवाते हैं जो ऑनरेबल जो एंकर पर्सन होते हैं कि तुम्हारा तुमने नाम लिया था वो चल गया। इसलिए मैं आई थिंक द सेफेस्ट प्लेस टू टेक नेम्स इज वेयर इट कैन नॉट बी डिलीटेड और एक्सपंज्ड इज द पार्लियामेंट। मेरी दरख्वास्त होगी, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ नस्ट यूनिवर्सिटी को, उसके एकेडमिया को, उसके उसातज़ा को, मुझे 2-4 दफ़ा जाने का वहाँ पे इतफाक़ हुआ है। वहाँ पे वाइस चांसलर थे मेरे पुराने स्कूल कॉलेज से, ग्रेट कॉलेज असमंदाल के, उन्होंने मुझे एक दफ़ा, उस समय वाटर एंड पार्क का वज़ीर था, जिसकी इनकी एफिलिएशन हुई 3 अमेरिका की यूनिवर्सिटियों के साथ, तो तब भी मैं गया। फिर इन्होंने सोलर प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च किया, सोलर एक क्या कहते हैं उसको जी, तो मैं वहाँ पे गया, वेरी इम्प्रेसिव। वो चाइनीज़ कहते हैं कि यू ग्रो कॉर्न यू लिव फॉर 1 ईयर, यू ग्रो समथिंग एल्स यू लिव फॉर मे बी 5 ईयर्स, यू ग्रो समथिंग एल्स यू लिव फॉर 10 ईयर्स, यू ग्रो मैन एंड मैन ऑफ नॉलेज यू लिव टिल एटर्निटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिमार्क्स।